जमे हमारा गांव का रोड ही पूरा खराब है, नाली नाली सब खराब है। तो हाँ, कुछ नहीं सरकार तो परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। 7 दिन के बाद 70,000 का सोना है 10 ग्राम, आदमी गरीब आदमी कैसे बिल्कुल नाराज है। आज हम इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम जसंतपुर में, ग्राम पंचायत जसंतपुर में उपस्थित है और आज हम यहाँ पर जो जमीनी हकीकत है जीरो ग्राउंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। और जो विकास कार्य के जो दावे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उन विकास कार्यों को भी दिखाऊंगा। जो यहाँ पर रोजगार, बेरोजगार, महंगाई और तमाम विपक्षियों द्वारा बात की जाती है, सरकार द्वारा जो बात की जाती है, हम आम जनता के द्वारा आज आपको रूबरू कराएंगे। आइए हम चलते हैं, पहले हम दिखाते हैं सरकार के आपके विकास के कार्यों की तरह था। जो हमारे यहाँ के सांसद रामशंकर कठेरिया जी जो 5 साल सांसद रहे हैं और किसी रोड से कई बार उनका आना जाना हुआ है, कहने के लिए तो रोड है मगर केवल कहने के लिए रोड है, अगर चलेंगे अगर आप तो आपको केवल हो सकता है यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर का फासला पड़ता है, इस गांव में 1 या 2 बार आपको गिरना पड़े। ये रोड है, केवल कहने के लिए रोड है लेकिन चलने के लिए रोड नहीं है। मैं आशू भदौरिया किस्सा कुर्सी का चुनावी यात्रा के तहत, आइए कुछ बात करते हैं कुछ युवाओं से, क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या सरकार वही चाहते हैं, मोदी को चाहते हैं, अखिलेश को चाहते हैं या फिर इंडी को चाहते हैं, क्या इनके दिल में है? वोट डालने जाएंगे तो इनके दिमाग में, इनके मस्तिष्क में क्या होगा, किस तरीके से इनका इनका वोट डालने का तरीका होगा और वोट किसको वोट डालेंगे? आइए कुछ युवा खड़े हैं, आज पूछेंगे बात करेंगे कुछ आप हमसे। क्या नाम है सर? धर्मेंद्र सिंह जी। इस समय भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन, मतलब भाजपा और इंडी, मतलब इंडिया और इंडी दोनों का समय वो चल, एनडीए और इंडी का चल रहा है, किसको वोट देंगे आप? अभी तो गठबंधन ठीक है, भाजपा सरकार में कुछ काम ही नहीं हुआ। अच्छा, जो जमे हमारा गांव का रोड ही पूरा खराब है, नाली नाले सब खराब है, कुछ काम ही नहीं कराया सरकार ने। धर्मेंद्र जी, ये जो रोड है ये कब बना था, कितने टाइम पहले बनाया था? ये सपा बसपा की सरकार ने बना था, कम से कम 15-16 साल हो गए, ज्यादा 15-16 साल से अब तक कोई रोड नहीं बना? नहीं नहीं, कभी नहीं बना। एक दो बार टकरियां लगाने आए, वो भी ऐसे ही मल्लम पट्टी करके चले गए। अच्छा, इसके बाद फिर कोई मतलब नहीं? नहीं, यहाँ के प्रधान जी द्वारा सुना गया है कि कई बार विधायक और सांसद से अपील की गई, उनमें पत्र दिया गया, तो कोई सुनवाई अभी तक हुई कि नहीं हुई? नहीं, सांसद जी को कई बार पत्र दिया गया और विधायक कोटा को उनको भी पत्र दिया गया, मंडी समिति को लिए भी दिया गया, लेकिन अभी बीच में हमारे यहाँ चौपाल लगा था विधायक जी का भाजपा पार्टी से जी। तो वो आए थे, उन्होंने कहा कि ये रोड मंडी समेत में है, अगर PWD में होता तो मैं कुछ करता जी, हमारे बस में नहीं है जी। कुछ युवा हमारे साथ और भी है, आइए चलिए हम बात करते चलते हैं। और अच्छा, आपका नाम, आप कुछ बात करना चाहेंगे? आप कुछ बात करना चाहेंगे? आप अरे रोड बनवो चाहिए और कहा बोला आपको कुछ बात, क्या नाम क्या आपका? अरे ये बताइए, क्या इंडी गठबंधन और एनडीए, भाजपा और विपक्ष इंडी, पहले इंडिया था अब इंडी हो गया, कैसे चाहते हैं सरकार, मतलब बीजेपी को या फिर कांग्रेस? बीजेपी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी की कुछ योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी कुछ विकास कार्य कुछ बता सकते हैं आप? जो आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को सरकार देंगे, बीजेपी को आप पसंद करते हैं ना, तो एक आध कोई सरकार कोई योजना के बारे में बता सकते हैं कुछ? सब है, गल्ला से लेके रोडे सड़के जी। ये युवा है, साफ कहना है उनका दिल में है, मोदी बसे हुए हैं, योगी बसे हुए हैं, साफ कहना है कि हम मोदी और योगी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आइए चलते हैं और युवाओं से पूछते हैं, चलते हैं और विकास की कुछ जो विकास धारा है उसके बारे में भी बात करते हैं। 9वीं 19वीं लोकसभा का चुनाव तैयारियां आ गई है, 7 और 13 तारीख को वोट भी पड़ना है। रोड, वही रोड की बात कर रहा हूँ मैं, रोड की बात कर रहा हूँ, रोड की शिकायत है अभी तक किसी से, आप लोगों ने, जनता ने, अपने गाँव वालों ने की किसी से? निरंजन से करी लेकिन सुनाई नहीं। क्यों नहीं सुनवाई है? नहीं हो रही, मतलब योगी महाराज के तो हारी सर, जब लोग कहते हैं लोग हाल बताते हैं, सुनवाई हो जाती है, तुरंत बताते शिकायत तो सुनवाई होती है योगी के सरकार में।
चौबीस सरकार सुनवाई हो रही है। अच्छा अच्छा, तो क्या है फिर वोट, फिर क्या वोट कब बनाने का मूड क्या है? चुनाव तक तो बनवा दे। अब चुनाव क्या, तो 13 तारीख को चुनाव क्या बना देंगे? अब 3 दिन में क्या बन जाएगा, 4 दिन में रोड बनवा दे, 3 दिन में हाल बन जाएगा। तो वोट किसको देंगे फिर? नहीं बढ़ेंगे वोट। अच्छा ठीक है, चलिए और देखते हैं आप बात करना चाहते। राजकिशोर जी, भारतीय जनता पार्टी या इंडी गठबंधन? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, उन विकास कार्य में कोई एक दो योजनाओं के बारे में बता सकते हैं क्या? तो ये राशन हुआ। हाँ। और ये गैस सिलेंडर फ्री मिले हुए। ठीक। और रोजगार भी मिला हुआ। और मशीन वगैरह चलो आवास की तरह बहुत सारे विकास कार्य बात कर लेते हैं। आइए पता जी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी जी, क्या इस सरकार से खुश हैं आप? मतलब इस सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, जिसका क्या, जिसका विजन है सबका साथ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस विजन पे काम कर रही है और सबका, तो आप बिल्कुल खुश हैं सर? किसको वोट देंगे फिर आप? मोदी को। मोदी को देंगे कि भाजपा को देंगे? कमल को देंगे कि रामशंकर कठेरिया को देंगे? नहीं, हम तो वही है कमल मोदी वाली। आप आप किसको देंगे? हम तो मोदी से बिल्कुल नाराज हूं। क्या, क्यों? इसलिए कि 70,000 का सोना है 10 ग्राम, आदमी गरीब आदमी कैसे शादी करेगा? बिल्कुल नाराज हैं। ठीक, गरीबों के रुपया 70,000 रुपए का सोना है, इसलिए आप नाराज हैं? बिल्कुल ठीक है ना, इतना महंगा सोना कभी नहीं नहीं हुआ। ठीक है, 30,000 तक था तो गरीब आदमी भी बनवा लेता, हमारा भी लड़का है शादी के लिए। मैं तो बिल्कुल नाराज हूँ, देखो हमारे यहाँ टोटी का वो नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का जादू जो लोगों में बढ़कर चढ़कर जो बोल रहा है, उसका रीजन क्या है, मतलब क्या है? लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं? जो भी देखो, जो नेता देखो, अभी हमने एक टीवी में मैंने देखा कि राहुल गांधी जिस क्षेत्र से रैली करके जाते हैं या जिस क्षेत्र से पद यात्रा करते जाते हैं, और उसी क्षेत्र के कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी विडंबना भी है। और भाजपा के कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस के और राहुल के युवराज के करीब के जो बैठा करते थे, उनके साथ के लोग आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। जैसे कि आपने देखा कल अखिलेश जी का कल औरैया में कार्यक्रम था, समाजवादी पार्टी से जीते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने आज ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जब कल अखिलेश का, जबकि कल अखिलेश यादव का मंच साझा कर रहे थे, वो कल अखिलेश जी के मंच पर बैठे हुए थे आगे वाली सीट में, और आज अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया और आज केसरिया रंग में रंग गए। चुनाव जीता तो समाजवादी पार्टी से, लेकिन शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। आइए युवा खड़े हैं, कुछ पूछते हैं इनसे, कुछ चंद कुछ जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कुछ जानते हैं विपक्ष के बारे में, कुछ जानते हैं कांग्रेस के बारे में। क्या, किसकी बनेगी सरकार, कौन बने करेगा आपकी बार राज, और किसका होगा आपकी बार राज तिलक? मैं पुनः कुर्सी किस्सा कुर्सी का के तहत हमारे एक साथ हमारे युवा है, हमारे साथी, आइए हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, कहाँ इनका रुझान है, किधर वोट देंगे? सरकार बदलना चाहते हैं, सरकार वही रहना चाहते हैं, या सरकार बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। हाँ, बदलना चाहते हैं। आप बताइए। हाँ, सरकार जो चल रही है, हाँ, इस सरकार की नीतियों से क्या आप खुश है? नहीं है खुश, हम नहीं खुश। हाँ, नहीं है खुश। क्या कारण, उस कारण क्या है? है कारण, ये कारण हम कहा तो सब गिनती थोड़ी बात, हम खुश नहीं है। कुछ बता दो बस, क्या कारण क्या है? खुश नहीं है, कुछ बता दो, कुछ तो बता दो। हम खुश नहीं सरकार से, बस। तो परिवर्तन चाहते हैं आप? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं, सब झूठे वादे हैं। अच्छा, मतलब झूठों का पुलिंदा है? बिल्कुल सब झूठे हैं, बिल्कुल सब झूठे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है, सब हमारे 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 युवा का कहना है कि सारे लोग झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं, कोई भी अपना वादा पूरा नहीं करता है, इसलिए हम परिवर्तन कर रहे हैं। किसकी सरकार बनवाई थी फिर? साइकिल। साइकिल समर्थन किसी करे, चुनाव तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का, वो किसी सपोर्ट कर दे, हमें कोई मतलब, हम साइकिल वोट देंगे, साइकिल वोट बस, खुला वोट देंगे, खुला देंगे। क्या नाम है? इंडी गठबंधन या फिर भाजपा? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ही क्यों? नहीं, इंडिया गठबंधन तो रहा नहीं, अब तो इंडी हो गया ना, इंडिया तो अलग हो गया। इंडिया गठबंधन मेरा वोट
समाजवादी पार्टी। अच्छा समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या है जो समाजवादी पार्टी को आप लाइक करते हैं? सब कुछ है और इसमें भाजपा में कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, सिर्फ जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार चल रही है ये सब केवल जुमलेबाजी और झूठों का पुरंदा और मतलब फर्जी बातें करके ही सरकार चला रही है? जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। राशन देने इसमें क्या होता है? आदमी की जरूरत किसकी है? मतलब गेहूँ मेले बाजरा मिल रहा है उसे क्या होगा? अभी पेट भर जाएगा? नहीं, इनको ये पता नहीं है कि इतनी गर्मी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, कि बाजरा खिलाना चाहिए जुंडी खिलाना चाहिए और बताओ बाजरा और जुंडी खिला रहे हैं क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो भर्ती थी वो 4 साल कर दी जी। 4 साल में लड़का मतलब आएगा वो क्या कर लेगा यहाँ पर? युवा है, नौकरी के बारे में बताया, 4 साल के बाद में घर पे आ जाएगा, क्या करेगा? करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, कहते नहीं है कर्म करते रहो इच्छा की फल। और आदमी का मत है अपना अपना, उनका कहना है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, समाजवादी को लाइक करते हैं। आइए इसी तरीके से और भी लोगों को देखते हैं क्या मनसा है, लोग क्या क्या बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। बुढ़िया कठेरिया जी जो विधायक है, सदर विधायक, उनका भी कार्यक्रम लग चुका है और इन्हीं सड़कों द्वारा संसद जी का आना जाना हुआ है। आगे अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे दिखाइए सड़क, ये सड़क है कि क्या है? केवल कहने के लिए सड़क है, यहाँ कहीं सड़क नहीं है, चारों तरफ गड्ढे हैं और युवा अक्सर कर यहाँ पर रात को मोटरसाइकिल से गिरते हैं और चोटिल होते हैं, मगर यहाँ कहीं भी कोई सड़क नाम की चीज़ नहीं है। कई बार यहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को यह अवगत कराया गया, मगर अभी तक कोई सड़क नहीं बनी, ना किसी तरीके का कोई यहाँ पर अभी कोई विकास कार्य, ना कोई नाली, नाले खुले हुए, नाले पड़े हुए। कैमरा को दिखाएं, देखिए नाले दिखाइए, नाले दिखाइए, नाले दिखाइए आप थोड़ा सा कैमरामैन हमारे, नाले देखिए खुले हुए पड़े हुए हैं, इसमें बच्चे गिरते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं, इसमें जानवर गिर जाते हैं। ये दिखाइए ना बड़ा वाला बड़ा नाला, ये नाला दिखाइए, इसमें जानवर गिर जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, इसमें चोटिल हो जाते हैं। इनको बंद करने का काम है सरकार द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जब से ये सरकार बनी नाली बनी हुई है। हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं, बात करना चाहते हैं। क्या आपका? शिव नारायण है। शिव नारायण जी, ये सड़क कब बनी थी? अरे ये तो बहुत कम से कम 15-20 साल पहले बनी हुई थी। अच्छा, ये सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है, देख रहे हैं बहुत गड्ढे। अच्छा ये बताइए बरसात के टाइम में यहाँ पे क्या हालत होती है सड़क की हुआ करती थी? अरे हाँ, गंदगी बहुत फैल जाती है, कोई निकल नहीं पाता है, रोड दे पूरे सब ऐसे ही हो जाते। अच्छा, हमने सुना है कि बरसात में जो लड़के हैं रात में आते हैं मोटरसाइकिल से, वो फिसल कर चोटल भी हो जाते हैं, गिर भी जाती है, ये सच्चाई यहाँ कहाँ तक सच्चाई है ये? अरे ये यहाँ का पलटी है, ये गड्ढे यहाँ पे भर गया है, इसमें तो सरकार से क्या मांगे आपकी? मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि रोड रोड हमारा सही है, कंप्लीट है, कौन है हमारे ग्राम का समझ रहे, ये रोड जहाँ मेन रोड तक मिलता है वहाँ तक वोट बता दो किसको दोगे? अरे हम मोदी जी को दे देंगे और क्या है। नहीं, दे देंगे या दोगे? अरे दे देंगे और क्या है। चलिए, गांव की समस्या, युवा 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 की समस्या मेन रोड, हकीकत है रोड जैसे कि मैंने आपको दिखाया रोड बिल्कुल नहीं है, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, रोड नाम पे तो मिट्टी मिट्टी दिख रही है, कोई यहाँ पर रोड नहीं है यहाँ पर, और रोड तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका है, और रोड यहाँ अगर देखा जाए तो कोई रोड नहीं है, यहाँ पर सारे गड्ढे हैं। और बरसात के टाइम पर लोगों का कहना है यहाँ के ग्रामीणों का कि यहाँ पर युवा आते हैं और मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, कई बार कई लड़के गंभीर रूप से चोटिल हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ में और एक भीम सेना के यहाँ पर नेता आए, आइए हम उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। हमारे समाज के भीम आर्मी के नेता है, आइए हम बात करते हैं। आइए, धीरज जी हैं हमारे साथ में, हमारे गांव के पंचायत के व्यक्ति हैं। धीरज जी, भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन, इंडिया इंडिया, अब इंडिया कहाँ रहा, अब तो इंडी हो गया ना, तो किस में मैं दो में क्या चुनाव करें, किसको वोट देंगे? लोग देखो, सबसे पहले तो हम लोग भाजपा के खिलाफ, बिल्कुल जो भी मतलब मतदान करेंगे भाजपा के खिलाफ, अब उसके बाद जो भी भाजपा को हराएगा हम लोग उसके सहयोग में देंगे। अच्छा, मतलब भाजपा को जो हराएगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा सपा हो, चाहे कोई भी हो, मतलब भाजपा को मैं हराना है। मकसद वो तो दिखाई दे रहा है सभी को, बोला है काम नहीं हुआ। और खोल दीजिए आप, नंबर वन तो संविधान विरोधी है पार्टी है, ठीक, संविधान विरोधी, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को मिलना चाहे मिलना जरूरी है वो नहीं मिल पाती हैं। धीरज जी, आपने कहा संविधान विरोधी है,
एक कोई हमें ऐसा कोई एक बताइए कोई किसी नेता के द्वारा जिसने कहा हो कि हम संविधान को खत्म करेंगे या हम संविधान में बदलाव लाएंगे, किसी भाजपा का एक हमें डायलॉग बता दीजिए। कई नेता अभी बोले थे, एक बताओ एक नेता का नाम, उसका नाम क्या है, वो सांसद रहा है, क्या नाम उसका, ध्यान दिमाग में नहीं आ रही, वो बोल रहा था कि संविधान खत्म कर देंगे, मनुस्मृति लाएंगे। चार दिन पहले नागपुर की रैली में अमित शाह ने सीना ठोक कर कहा था कि जब तक मैं और भारतीय जनता पार्टी जिंदा है कोई माई का लाल संविधान खत्म नहीं कर सकता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब वो पता नहीं उनकी सोच क्या है, लेकिन हम लोगों को ये लगता है, जो लोग बताते हैं, जो लग रहा है हम लोगों को, आने वाले समय में। अच्छा, आपके नेता चंद्रशेखर आजाद जी है जी, नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है? जीतेंगे चुनाव, पूरा कॉन्फिडेंस है। ये धीरेन जी थे, भीम आर्मी से थे और चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, और उनका साफ कहना है कि हमारे जो भाजपा को हराएगा वोट हमारा केवल उसको जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, इंडी गठबंधन से जो भी हमारा सहयोगी दल होगा हम उसको वोट देंगे।